आज से हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, आज से एक कैंपेन चालू कर रहे हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे पिछले 5 साल में आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने प्रदूषण को कम किया। अब आने वाले समय में भी, अगले 3-4 महीने में हम प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। हर साल पराली की समस्या से हम लोग जूझते हैं, सब लोगों ने बहुत कोशिश की, जो आसपास की राज्य सरकारें हैं वो भी बहुत कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इस साल हमारा पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो खेती के ऊपर रिसर्च करता है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसका एक बड़ा सस्ता और सरल उपाय ढूंढा है। उन्होंने एक घोल बनाया है, उस घोल को अगर आप छिड़काव कर दें अपनी पराली के ऊपर तो पराली का डंठल जो है वो गल जाता है और वो खाद में बन जाती है। इस बार दिल्ली के अंदर जितनी भी खेती होती है, सारी जो भी जहां पराली होती है नॉन बासमती राइस के खेतों में, वहां पे दिल्ली सरकार खुद ये घोल बनवा के खुद ये छिड़काव करने जा रही है। अगर दिल्ली में ये सफल हो जाता है इस बार, तो शायद अगले साल से हमें पराली, फिर हम आसपास की सरकारों को भी कह सकते हैं भाई हमने किया आप भी करो, तो वो भी कर सकते हैं, तो शायद इससे हम सब लोगों को इससे निजात मिल सकती है। तो दिल्ली में ये घोल बनाने का कार्यक्रम कल से शुरू होने जा रहा है, दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये घोल तैयार कर रही है पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में। कल मैं ये देखने के लिए भी जाऊंगा वहां पे जब घोल बनना शुरू होगा।